अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करता हो? नहीं ना। अब आखिर एक पत्थर ऐसा करेगा भी क्यों? वो तो भारी धातु की तरह होते हैं जिसे अगर बाहरी ताकतों से हिलाया नहीं गया तो नहीं हिलते। तो फिर कैलिफोर्निया और नवादा के बीच स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क में क्या हो रहा है? दोस्तों, यहाँ पर मौजूद पत्थर रातों रात एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी में निशान बनाकर आगे खिसक जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल पानी में चलने वाली नाव की तरह मिट्टी पर तैर रहे हों। पहली बार करीब 100 साल पहले साइंटिस्ट्स ने इस अनोखी चीज को नोटिस किया था। तब से लेकर अब तक इसके संबंध में कई सारी थ्योरीज दी जा चुकी हैं, जिसमें एलियंस की थ्योरी भी शामिल है। लेकिन सबसे यकीन करने वाली थ्योरी मैग्नेटिज्म की मानी जाती थी, जिसके मुताबिक धरती के मैग्नेटिज्म से पत्थर पर डायरेक्ट असर पड़ रहा था और वो एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे थे। लेकिन सन 2014 में जब इन्हें गौर से स्टडी किया गया तब कुछ और ही देखने को मिला। असल में ये पत्थर एक सूखी नदी पर पड़े रहते हैं। रात में ये नदी पानी से भर जाती है और फ्रीज हो जाती है। सुबह होते होते ये पानी पिघल जाता है और फिर से भाप बन जाता है। इस वजह से ये पत्थर बर्फीले नदी पर फिसल कर कुछ फीट आगे बढ़ जाते हैं। फेरी सर्कल्स। नामीबिया का नामीब रेगिस्तान एक बेहद ही रहस्यमय गोलाकार वनस्पतियों का घर है। ये हर थोड़ी दूर पर रेगिस्तान में गोलाकार सा एक शेप बना देते हैं। एक महान मैथमेटिशियन ने इन्हें पोलका डॉट ड्रेस भी कहा है, जो कि शायद गलत भी नहीं है। इन सर्कल्स का आकार 7 से 49 फीट डायमीटर का हो सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन वनस्पतियों का इस अद्भुत आकार में होना असल में फेरीज का काम है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये असल में भगवान के पैरों के निशान हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि ठीक तरह से साइंटिस्ट्स भी नहीं बता पा रहे कि ये पौधे इस तरह का आकार क्यों ले रहे हैं। कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि इन्हें प्यासे पौधों ने बनाया है, जो पानी ढूंढने के लिए दूर तक अपनी जड़ों को पहुंचाना चाहते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आकार दीमक की कॉलोनीज बना रही हैं और अपने घर को बड़ा कर रही हैं। चॉकलेट हिल्स। जैसा आप सोच रहे हैं, ये उस तरह की पहाड़ी नहीं है। यहाँ चॉकलेट्स नहीं उगाए जाते, लेकिन फिलीपींस में मौजूद इन पहाड़ियों का साइज बिल्कुल एक समान सा है। अच्छे मौसम में इनके ऊपर हरे भरे पौधे उगते हैं, वहीं गर्मी का सीजन आने पर यही पौधे मर जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इन पर चॉकलेट्स गड़े हुए हों। दोस्तों, ये सब चीजें तो हम देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर इस तरह के बिल्कुल एक ही आकार के पहाड़ आए कहां से और एक साथ इतने सारे कैसे बन गए? क्या इनका इजाद एक ही समय में हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हालांकि कुछ रहस्यमय कहानियां हैं जो बड़े विशाल आकृति के लोगों का जिक्र करती हैं। माना जाता है कि पहले के वक्त में ये इन्हीं जायंट्स लोगों यानी बड़े इंसानों का घर हुआ करता था। वो खुद अपने हाथों से इन पहाड़ियों को आकार देते थे और इनके अंदर रहा करते थे। लेकिन ये केवल कहने की बातें हैं, क्योंकि आज तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेक हिलियर। हमने काली, सफेद, नीली इन सभी तरह की नदियों के बारे में सुना है, लेकिन क्या कभी आपने पिंक कलर की नदी के बारे में सुना है? ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लेक हिलियर कुछ ऐसी ही नदी है। कुछ लोगों का मानना था कि ये केवल लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से पिंक दिख रही है और दूर से देखने की वजह से इसका कलर ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इस नदी को पास से जाकर देखा गया तब भी इसका कलर पिंक ही था। और तो और, जब नदी के पानी को एक बोतल में डाला गया तब भी इसका कलर पिंक ही था। एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने इस पानी का सैंपल लिया और इसे कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी इसके कलर में कोई फर्क नहीं आया। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? बदकिस्मती से किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम, पर बहुत सारी थियोरीज के मुताबिक ये केमिकल रिएक्शन या फिर पानी में मौजूद विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज की वजह से हो रहा है। बॉल लाइटनिंग। हम सभी को पता है कि बिजली एक जिगजैग बोल्ट के रूप में आकाश से धरती पर आते हुए दिखाई देती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार लोगों ने आकाश से बिजली के गोले को गिरते हुए देखा है। मौसम के इस घटना को बॉल लाइटनिंग कहते हैं।
ये घटना बेहद ही दुर्लभ होती है, इसलिए साइंटिस्ट्स को अब तक इसके होने का कारण नहीं पता चला है। एक साधारण बिजली के मुकाबले इस तरह की बिजली एक सेकंड से ज्यादा देर तक गिर सकती है, लेकिन तब भी इसे स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। कई बार इसे लैब में भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन केवल असफलता ही हाथ लगी। कई बार खोजकर्ताओं ने इसे थियरीज के माध्यम से बहुत समझाने की कोशिश की कि तूफान के वक्त हवा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती है और उसमें मौजूद मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा दिमाग धोखा खाने लगता है। इस तरह से काफी कुछ बताते हैं, पर असल में क्या होता है ये तो शायद बिजली के देवता पेरुन या फिर थॉर से ही पूछना होगा। सिंगिंग सैंड ड्यून्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर लगभग जितने भी रेगिस्तान हैं, जहां तेज हवाएं चलती हैं और जहां रेत के पहाड़ हर दिन अपना रूप बदलते हैं, वहां हमें धरती के गाने की आवाज सुनाई देती है। कैलिफोर्निया से लेकर अफ्रीका तक और चीन से लेकर कतार तक लगभग 35 डेजर्ट्स में अजीब से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बिल्कुल मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज की तरह है। भले ही आप कभी रेगिस्तान नहीं गए हों, लेकिन फिर भी आपने ये आवाज जरूर सुनी होगी, क्योंकि अक्सर फिल्मों में जब रेगिस्तान का कोई सीन आता है तो इसी तरह की धुन बैकग्राउंड में बजती है। लेकिन ये आवाज आखिर कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से होती है ये बता पाना बेहद ही मुश्किल है। एक स्टडी के मुताबिक आवाज की ये अलग अलग तरंग रेत के दाने की साइज और हवा की रफ्तार के ऊपर निर्भर होती है, लेकिन साइंटिस्ट्स ये पता नहीं लगा पाए हैं कि रेत के इस तरह फ्लो होने से म्यूजिक का साउंड कैसे पैदा होता है। मैग्नेटिक हिल। जब भी हम किसी पहाड़ के ऊपर बने रोड पर अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तब ढलान से हमारी गाड़ी अपने आप रफ्तार पकड़कर नीचे आने लगती है, और बिल्कुल इसी तरह इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए हमें ज्यादा पावर से गाड़ी को चढ़ाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ वाले रास्ते के बारे में सुना है जिसमें गाड़ियां अपने आप ढलान पर चढ़ जाती हैं? मैं आपको बता दूं, ऐसी पहाड़ी हमारे इंडिया में ही स्थित है। लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये छोटा सा रोड है, जहां पर गाड़ी बिना स्टार्ट किए ढलान पर चढ़ जाती है। कार का इंजन बंद होने के बाद भी गाड़ी इस रोड पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ढलान पर चढ़ती जाती है। इस अद्भुत रोड को कई और नाम दिए गए हैं, जैसे कि मिस्ट्री हिल और ग्रेविटी हिल। लेकिन आखिर क्यों ये रोड ग्रेविटी के सभी सिद्धांतों को तोड़ रहा है? हालांकि इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ रहने वाले मूल निवासी आपको कुछ और ही कहानी बताएंगे। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये रोड सीधा स्वर्ग की तरफ ले जाता है। कहते हैं जो इंसान दिल का सच्चा होगा वो इस रास्ते से सीधा स्वर्ग पहुँच जाएगा, और जो लायक नहीं होगा वो रोड पर चलता ही चला जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में दो साइंटिफिक थ्योरी बताई गई हैं, जिसमें से सबसे कॉमन तो ये है कि इस पहाड़ी पर बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फोर्स है, जो गाड़ी को ऊपर की तरफ खींचने में मदद करती है। माना जाता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इंडियन एयर फोर्स भी इस रास्ते से नहीं गुजरती कि कहीं उनके उपकरण खराब ना हो जाएं। वहीं एक और बेहद ही पॉपुलर थ्योरी है ऑप्टिकल इल्यूजन की। इस थ्योरी के मुताबिक असल में रोड पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, बल्कि ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से हमें नीचे की तरफ जा रही ढलान ऊपर की तरफ जाने वाली ढलान जैसी दिखती है। इस रोड के शुरुआत में एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जहां से आप इस चीज को फील कर सकते हैं। वैसे तो ये रोड पूरे साल खुला रहता है, लेकिन अगर आप जुलाई से अक्टूबर के बीच यहां आएंगे तो इसका बहुत मजा ले पाएंगे। ग्रीन फ्लैश। ग्रीन फ्लैश एक बेहद ही अद्भुत कुदरत का करिश्मा है, जो केवल सूर्योदय या सूर्यास्त पर ही दिखाई देता है। इस समय में सिर्फ एक सेकंड के लिए आपको समुन्दर में हरे कलर की लाइट दिखेगी। ये बेहद ही दुर्लभ नजारा है, जिसे देखने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में लगा देते हैं। माना जाता है कि जब एक रूह दूसरी दुनिया में जाती है, तब हरे कलर की लाइट पैदा होती है। लेकिन ये केवल सूर्य की किरण और धरती के वातावरण के मेल से होने वाला एक प्रकृति का करिश्मा है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।